उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के लखना कस्बे में बना देवी महाकाली का मंदिर हिंदू और मुस्लिम के बीच भाईचारे और सद्भाव की मिसाल है। मंदिर परिसर में सूफी संत की मजार है। यहां आने वाले श्रद्धालु दोनों धार्मिक जगहों पर सजदा करते हैं। मजार की कहानी के बारे में तो हमें ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन एक तरह से ये जो है आपसी भाईचारे की बहुत बड़ी मिसाल है कि यहाँ पे लोग आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं और मजार पे भी जो है कौड़ी चढ़ाते हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग आते हैं? हाँ, दोनों धर्मों के लोग आते हैं। अच्छा, इसको मजार या मंदिर के अंदर मजार इसको लेके कभी कोई विवाद या नहीं है? नहीं, अभी तक तो हमने कभी नहीं सुना। बचपन से लेके आज तक यही देखते आ रहे हैं कि दोनों की लोग पूजा करते हैं। महाकाली को कई लोग अपनी कुल देवी मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। वैसे तो बहुत पहले हम लोग उड़ीसा में शिफ्ट कर गए थे, लेकिन हमारी मानता ये है कि ये हमारी कुल देवी है। जैसा कि हम लोग राजपूत और हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो ये हमारी कुल देवी मानी गई है और हमारी इस मंदिर से इतनी मान्यता जुड़ी हुई कि हम लोग जो मांगते हैं हमें यहाँ आके मिल जाता है। मंदिर प्रबंधक के मुताबिक मंदिर की स्थापना 200 साल पहले राजा जसवंत राव जी ने की थी। इसकी स्थापना राजा जसवंत राव जी ने की थी और वो कंदेसी में जाते थे यमुना पार करके पूजा करने देवी जी के यहाँ। तो एक बार बाढ़ आ गई तो वो वहाँ जा नहीं पाए, बहुत परेशान हुए। तो माँ ने, उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया, तो माँ ने उनको दर्शन दिए और उसके बाद लोगों ने खबर की साहब कि ऐसे ऐसे पीपल के पेड़ में आग लग गई है और उसमें मूर्तियाँ निकली हैं। तो उन्होंने, राजा साहब दौड़ के पहुँचे, वहाँ देखा तो वहाँ देवी की मूर्तियाँ थीं। उन्होंने वहाँ मंदिर की स्थापना की और मंदिर की स्थापना करने के बाद वहाँ मजार की भी स्थापना की। देवी महाकाली का ये मंदिर इटावा में काफी प्रसिद्ध है। खास बात यह है कि इसकी देखरेख दलित समुदाय के लोग करते हैं। ये न सिर्फ हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है, बल्कि जातीय भेदभाव से परे सद्भाव को भी दिखाता है।